फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं आज काशीपुर से मामा जी के गांव भात नोतने के लिए। मेवला फार्म मौसी हराई है हिसार ते काशीपुर, और काशीपुर ते हम भी टंग लिए हैं गाड़ी में तैयार त्यूर होके। मेकअप शेकअप चल रहा था अभी, और ईव हम जा हैं मामा के, और गीत गवेंगे भात नोतेंगे, और ये कोई फोन में लगा है नाचा कूदी कर रहे हैं, फूल वगैरह तोड़े जा रहे हैं। ये देखो फूलों की तैयारी हो रही है, पूरा दिखा ले, ये रहे इनके ऊपर फूल बरसेंगे। और ये निधि हमारे साथ ही लटकी हुई है, ये काशीपुर से हमारे साथ लटक गई थी फिर से। ये देखिए वैसे ना, ये फूलों की तैयारी हो गई है। और ये हमारे ड्राइवर साहब है, छोटी बहन, ये हमारी छोटी बहन, इसको आपने हमारे ब्लॉग में कभी नहीं देखा होगा, अभी आज देखा। और अभी जो शादियों की के ब्लॉग्स आएंगे आप उसमें सबको देखेंगे, और भी बहुत सारे नए नए प्राणियों को देखेंगे आप। और ये वाली हमारी एक मौसी जी जो फोन में लगी है, इनको भी आपने कभी नहीं देखा होगा। तो ये हमारे ड्राइवर साहब हैं, चुंगम चबाते हुए। ये मेरी दीदी है, ये हमारी माँ, ये उनके पीछे हमारी भांजी छुपी हुई है, नेल पॉलिश लगाती हुई गाड़ी में। देखो कितने एक्सपर्ट हो रखी है। और ये हमारी क्यूट सी भतीजी है, ये तैयारियों के लिए। तो चलो मेवला में मिलेंगे, वहाँ पलके बिछा के हमारा इंतजार हो रहा है, और जबरदस्त स्वागत होने वाला है। आप भी देखेगा ऐसा अनोखा भात नोतने कोई आया होगा तो हमारे मामा के गांव में, तो हम ही कर रहे हैं सब पहली बार। और अभी हम गाड़ी में ही चालू कर रहे हैं भात नोतने के गीत गात। भाई मेरी आवाज तो बहुत ही फटाफास हो गई है, मैं नहीं गा सकती। और ले आई दवाई मैं बैग में डाल के। अभी मम्मी देखते रहना, मैं बता दूंगा आप गाने गा लो। पहुंच गए मामा के गांव, और सब लोग खड़े हैं, मामी नानी सब आके खड़े हैं स्वागत के लिए। तो चलिए आज देखिए कैसे हरियाणा स्टाइल में जो भाण भात नोतना है, जब कैसे स्वागत होता है। और थोड़ा सा इस बार यहाँ चेंज हुआ है, तो चलिए बने रहिएगा हमारे व्लॉग में और देखिएगा। और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, प्लीज़ अवॉइड करिएगा। खड़ी करके आ जाना। हाँ तो न्यून कह चलो। नमस्ते नानी। नमस्ते नानी। बस मामी बढ़िया। आ जाओ उड़े Yeah.
आप करेंगे एक बार और ये देखो एक रस्म चालू हो गई है। ये ननदा के पाँव धो रही है ये भाभी इनकी। जब भात नोतन आया करें तो भाभी पाँव धोया करें ननदा के, और ननंद पैसे दिया करें तो तीन तीन ननंद है, तीनों ने पैसे दे दिए हमने भाभी को। अरे भी ये गीत चालू हो जाएंगे इनके, चालू तो काफी देर तक हो रहे थे। अरे फिर गीत चालू होंगे और अभी यहाँ थोड़ी बहुत फोटो वोटो क्लिक करवा रहे हैं। चलो गुलाबा देके आ रहे हैं, चलो एक और फोटो ले ली फोटो। और ये देखिए यहाँ पर मेरे मामा जी हैं बीच में, मम्मी और मौसी बहुत इमोशनल हो गए हैं, रो रहे हैं, मम्मी भी रो रही हैं, मामा भी साथ में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं, खुशी के आंसू भी हैं। और यहाँ मुंह मीठा कराया जा रहा है, इनकी भाभी इनका मुंह मीठा करा रही हैं। एक्चुअली जो गीत गाए जाते हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, तो मतलब इसलिए आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। और ये लो भाई एंट्री हो गई है घर पे बहनों की, भात नूतन आई है, ये भाई लेके आया अपनी बहनों को अंदर, और भाभी मुंह मीठा करा रही हो तो बहुत खुशी का माहौल है। और जो जो लोग भी आए सभी का मुंह मीठा किया जा रहा है, और ये नीति ने भी खा लिया है, ये तो हमारे साथ ही लटक जाती है। और सभी लेडीज़ बैठी हैं, अभी तो बैठेंगे और गीत गाएंगे। और यहाँ पर संजीवनी कर रही है कार पार्किंग, इस साइड लगाएगी। और ये देखिए ये है मेरे मामा का किचन गार्डन,
फ्लावर्स वगैरह भी हैं और बहुत सारी सब्जियां वगैरह लगी हुई हैं और सामने खेत हैं, तो बहुत ही सुंदर लगता है ये व्यू यहाँ पे। और ये लकड़ियों का ना मतलब बाड़ कर रखी है लकड़ियों की, ताकि कुछ कोई इधर उधर से घुसे ना कुत्ता वगैरह। तो ये देखिए अभी मैं दिखाती हूँ आपको एक और चीज़ कि ये मेरे मामा जी के यहाँ ना इनके किचन गार्डन में एक आम का पेड़ है, बहुत सारे फ्रूट्स के पेड़ लगा रखे हैं मामा ने, आड़ू वगैरह और पपीता लीची वीची ये वो बहुत सारे लगा रखे हैं। तो ये देखिए कितना ज़्यादा मोर आया है ना, इसका मतलब इस पर बहुत सारे आम वगैरह आने लगे हैं। तो चलिए अभी चलते हैं अंदर घर पे और जो सब लोग गेस्ट आए हैं उनके लिए चाय वगैरह बनाते हैं। तो ये लीजिए चाय आ गई है, चाय लेके जाएंगे सब। रियलिटी देखनी चाहिए, ऐसी भी होता है। तो चलो चाय नाश्ता तो दे दिया है और आप सब से एक रिक्वेस्ट है कि किस किस के घर पर इस तरीके से बात नोतना है, जब ऐसे स्वागत हो है ज़रूर बताइयो। फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में।